अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक केक। ये देखिए, ये है तवा चिकन और ये मैंने लेना था, कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैंने कहा आपके साथ इसकी शेयरिंग करती हूँ। तो मैंने इनसे पूछा है, मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आपको आएगी तो इस तरह लाउड आवाज़ आपको नहीं है। दोबारा से मैंने वॉइस ओवर किया। ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले चिकन जो है उनके बड़े पीस करके इनको मैरिनेट करके रखा हुआ है। उसके अलावा इन्होंने एक चटनी बनाई हुई है जो कि बड़े ही मज़ेदार किस्म की है। बहुत सा बड़ा सा तवा है और नीचे इसके सही फुल फ्लेम आग जल रही है और उसके ऊपर इसने, ये देखें, ये इसने क्या किया है कि वो चिकन को पहले ऑयल डाला है, फिर उस पर चिकन को रखा है, उसको उलट पलट के, फिर ये देखें इसने बहुत सारी चटनी डाल दी है। चटनी जो है ये दही का मिक्सचर है, दही मलाई, और उसमें फिर उसके अलावा इसने मिर्चा नमक सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा है, सब्ज़ मिर्चा काफ़ी सारा कुट कटा के तो इसने वो एक चटनी बनाई हुई है। उसमें ये कहता है कि मैंने पुदीना भी डाला हुआ है। मैंने सारी इससे प्रोसीजर पूछा तो मैंने कहा आपके साथ भी ये मैं शेयरिंग कर दूँ। तो ये एक स्ट्रीट फूड है और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार का है, मज़ेदार सा है, सॉरी मज़ेदार का कह गई हूँ, तो ये इतना मज़े का है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये एक प्लेट जो है ना, एक प्लेट है वो आपको दो लोगों के लिए काफ़ी होती है। और ये तो इतना महंगा भी नहीं है, 500 क्या है, तो 500 में अगर दो लोग रच के खा लें तो इतना मेरे ख्याल में कॉस्टली नहीं होता। तो दो रोटियाँ ये साथ देते हैं, तो उसके अलावा अगर आप खुद लेना चाहें तो दो रोटियाँ और लेंगे। 30 रुपीज़ की रोटी है और 500 का ये है। तो ये मुझे बहुत अच्छा यूनिक सा लगा तो मैंने कहा मैं आपके साथ इसकी शेयरिंग कर दूँ। तो ये मेरा आज का व्लॉग है। ये देखिए माशाल्लाह, इससे मैंने पहले तवा भी साफ़ कराया जो इस पर कालक में लगी हुई थी, मैंने कहा इसे मेरा साफ़ करो। कालक की एक जला हुआ जो ऑयल वगैरह होता है मसाले जल जाते हैं, तो मैंने इसे पहले भी साफ़ करा। करने के बाद फिर दोबारा मैंने इससे बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ सफा करके तवा तो फिर बनवाया ये रोटियाँ। और ये देखें, साथ चटनी अलग से भी देते हैं और ये मैगी ऊपर लेने के लिए लगा के छिड़क छिड़का के तो ये देते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सारी रोटियाँ चाहिए थी, मैंने तो 8-10 ली और मैंने ये 3 लिए जो कि 6 लोगों को बहुत थी। तो ये देखें ऊपर से कटाकट की तरह जो इसको काट पीस रहे हैं, लेकिन है बहुत मज़ेदार। मैंने लेफ्ट फ्राई पीस लिए थे तो वैसे ड्राई पीस भी लेते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह।